हाय व्यूअर्स, मैके स्टूडियो से आप सभी का वेलकम। करवा चौथ 2024 भारत में हर जगह धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। घर घर में व्रत रखे जाते हैं और पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं करती हैं। जहां आम पब्लिक, आम जनता इसको सेलिब्रेट करती है, वहां बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हसीनाएं और एक्ट्रेसेस अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। बॉलीवुड की तमाम अदाकारों ने इस व्रत को रखा और बड़े फंक्शंस एंजॉय किए, जिसके अंदर बड़े बड़े नाम हैं जैसे ऐश्वर्या, कैटरीना, प्रियंका चोपड़ा और बहुत सारी बॉलीवुड की हसीनाएं। इनके दरमियान कैटरीना और करीना और इसके अलावा ऐसी बड़ी बड़ी अदाकाराएं भी मौजूद हैं जो इस व्रत को नहीं रखती और ना ही मानती हैं, बल्कि इसको अंधविश्वास मानती हैं। इसके पीछे की उनकी क्या लॉजिक है, आइए आपको चल के बताते हैं। करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को 12 बरस बीत गए हैं, लेकिन करीना कपूर ने आज तक कभी व्रत नहीं रखा। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने पति से प्यार साबित करने के लिए भूखा रहना जरूरी नहीं है। इसी तरह दीपिका पादुकोण की जब बात की जाए तो दीपिका सिंधी परिवार की बहू है, और यानी रणवीर सिंह एक सिंधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जहाँ पे व्रत की बहुत ज्यादा मांग है और इसको बहुत बड़ा विश्वास समझा जाता है। वही दीपिका पादुकोण व्रत नहीं रखती। जब उनसे ये पूछा तो उन्होंने कहा कि व्रत रखने से प्यार नहीं बढ़ता, बल्कि जरूरी है कि एक दूसरे का साथ दिया जाए। ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार यानी खिलाड़ी की जोड़ी को सब जानते हैं, दोनों एक दूसरे से आज तक बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि ट्विंकल खन्ना व्रत नहीं रखती। उनका मानना यह है कि एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए या पति को लंबी उम्र की दुआ करने से बेहतर है कि एक दूसरे के साथ रहा जाए, ना कि भूखा रहा जाए। इसी तरह जब हम बात करते हैं सोनम कपूर की, तो उन्होंने भी अपनी शादी के सिर्फ पहले साल व्रत रखा और उसके बाद उन्होंने अब तक कोई व्रत नहीं रखा। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पति ने मुझे ये करने से मना किया है। इसी तरह एक बहुत बड़ी पुरानी जोड़ी भारत की बॉलीवुड में, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र संगिया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को 45 वर्ष हो गए, लेकिन हेमा मालिनी व्रत रखने को अच्छा नहीं मानती। वो मानती हैं कि एक दूसरे को समझने और प्यार से चलने से ही जिंदगी आगे बढ़ती है, ना कि भूखे रहने से। लेकिन इसके बावजूद बॉलीवुड में ये तकरीबात जारी हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, यहाँ तक कि अंबानी फैमिली ने भी इसको सेलिब्रेट किया और उसमें बहुत ज़्यादा बड़े स्टार शामिल हुए जिन्होंने कंबाइन इसका व्रत का एक फंक्शन अरेंज किया। हमारी आज की रिपोर्ट में आपको कैसा लगा, हमने व्रत से रिलेटेड आपको जो अपडेट्स यहाँ तक पहुँचाई अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। ऐसे ही और मजीद अपडेट्स लेकर आते रहेंगे, देखते रहिए मैके स्टूडियो।